जीडीए के द्वारा बरसात के पानी को निकालने के लिए 2 वाटर सक्शन पंप ट्रक खरीदा गया, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री का निर्देश था कि जनपद को जलभराव से मुक्ति दिलाने के लिए सभी प्रयास किया जाए, जिसको देखते हुए जीडीए के द्वारा बड़े नालों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा जहां लो लैंड है उसके पानी को निकालने के लिए 5 पंप को खरीदा गया है, जिससे अगर किसी कॉलोनी में पानी लग जाता है तो उसको पंप के माध्यम से निकाला जाएगा। इसके साथ ही 2 ट्रक खरीदा गया है जिसमें वाटर सक्शन पंप लगा हुआ है, क्योंकि कभी कभी बरसात में पानी निकालने की आवश्यकता होती है, जिसको देखते हुए 2 ट्रक को खरीदा गया है। प्रयास है कि बरसात में जहां कहीं भी जलभराव होगा जीडीए पानी निकालने में सक्षम होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशन था हम लोगों को, उनका आदेश था कि जल भराव से मुक्ति के लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी की जाएं। तो इसी संदर्भ में इस बार बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे बहुत सारे नालियों का, इनफैक्ट बड़े बड़े नालों का निर्माण हुआ है, हम सभी ने उसको देखा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे लो लाइंग होते हैं, तो उसको निकालने के लिए हमें अन्य व्यवस्थाएँ करनी पड़ती है। जैसे इस बार हम लोगों ने 5 एक्स्ट्रा पंप का परचेज़ किया है, पंप की व्यवस्था की है कि ऐसे एरिया जिनका पानी नाले में ना आ पाए या किसी कारण से रुक जाए तो उसको पंप करके हम लोग बाहर निकालेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने एक बड़ा ट्रक खरीदा है जो वाटर सक्शन पंप उसमें लगा हुआ है, वो ऐसे एरिया जो इमिडिएटली अचानक से अर्जेंसी में कहीं से पानी निकालने की ज़रूरत होती है, जैसे लास्ट टाइम एयरफोर्स पे ज़रूरत पड़ गई थी, इस तरह से कहीं पे भी हो सकती है, उसके लिए हम लोगों ने परचेज किया है और इस बार उसका ट्रायल भी हम लोगों ने कर लिया है। उम्मीद है कि इस बार जहाँ पे भी जलभराव की स्थिति होगी तो हम लोग उसको कंट्रोल करने में सक्षम होंगे।